हेलो दोस्तों दोस्तों आ गया हूँ रोड कंस्ट्रक्शन का पार्ट टू वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद इसके अगले दिन इसमें क्या क्या करना रहता है, कौन कौन से मिस्टेक है जो आपको इसमें नहीं करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने रोड कंस्ट्रक्शन का पार्ट वन वीडियो डाला हुआ था, लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि रोड में कितने टाइप का टेस्टिंग किया जाता है, कौन सा टेस्टिंग कब किया जाता है, रोड का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने उसमें बताया था। और उसमें ये भी बताया था कि जैसे ये रोड बन जाता है मैं आपके लिए पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा, और प्रॉमिस के मुताबिक मैं पार्ट टू लेकर आ गया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रोड कंस्ट्रक्शन के अगले दिन तुरंत इसमें क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले तो देखो आप चारों साइड से इसमें पॉन्डिंग किया हुआ है, ठीक है, और ये स्लोप है इसीलिए इसमें बीच में एक और लाइन दे करके पॉन्डिंग किया हुआ है। जब ये रोड पूरी तरीके से सूख जाएगा तो कल इसमें पूरा पानी भर दिया जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो छोटा छोटा पॉन्ड बना के इसमें छोड़ दिया गया है अभी सूखने के लिए, जैसे ही ये सूख जाता है इसमें पूरा पानी भर दिया जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करोगे, रोड बना के सिर्फ छोड़ दोगे, तो क्या होगा दोस्तों कि रोड में आपका क्रैक आ जाएगा, सिरिंकेज जैसी शिकायत आने लगेगी, कहीं से भी रोड आपका फट सकता है। दोस्तों रोड में क्यूरिंग करने टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो साइड वाली एरिया होती है लोग यहीं पर ज़्यादा गलती करते हैं, साइड वाली एरिया को छोड़ देते हैं और इस तरह पॉन्डिंग बना के सिर्फ इतना ही पानी भरते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। साइड में क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो गनी बैग रखा हुआ है, ये गनी बैग को पूरा साइड में लगा कर इसमें पूरा पानी दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि साइड में इस तरह से जब आप पैर रखोगे, ठीक है, ये टूट जाएगा, अभी तो कच्ची, इसमें जितना क्यूरिंग की रिक्वायर्ड है, क्यूरिंग हो जाने के बाद इसमें क्या कि ग्रूव काटा जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगले दिन इसका ग्रूव कटेगा, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसमें ग्रूव काटा जाता है, कितना लेंथ में काटा जाता है, कितना उसका थिकनेस रखा जाता है, कितना उसका थिकनेस रखा जाता है, ये सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉन्ड आप बनाओगे इसमें क्या करना है कि आपको सीमेंट मिला लेना है और सैंड ले लेना है, ठीक है, इस तरह से, और मिक्स करके इसको कर देना है। नेक्स्ट डे इसमें जब पूरा पानी भर जाएगा पूरा, इस तरह से प्रॉपर क्यूरिंग करना है, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।